कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है। गो ग्रीन एन 95 मास्क डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें। हरलाखी के पिपराउन गांव में पीडीएस डीलर के खिलाफ उपभोक्ताओं का उस समय गुस्सा फूट गया जब डीलर के स्वजनों द्वारा एक युवक की पिटाई कर दी गई। दरअसल युवक चार दिनों से अनाज के लिए डीलर के दुकान का चक्कर काट रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर कई दिनों से राशन देने के नाम पर टाल मटोल कर रहा था। युवक के पास राशन कार्ड भी है। शनिवार को जब युवक फिर राशन लाने गया तो डीलर के स्वजनों ने युवक की पिटाई कर दी जिससे युवक घायल हो गया। घायल युवक की पहचान गांव के ही सनीचर मंडल के रूप में हुई है। मामले के विरोध में ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में डीलर के दुकान व घर के बाहर में ही एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए वो हंगामा करने लगे। मामले की सूचना मिलते ही थाना के एसआई विनय शर्मा व एएसआई शिवजीत सिंह समेत प्रखंड के कई पदाधिकारी भी दलबल के साथ गांव पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर वार्ता। डीलर शत्रुघ्न शाह ने बताया कि लगाए गए आरोप गलत है। युवक के पास नया वाला राशन कार्ड था इसीलिए उसे चार दिन बाद आने को कहा गया, लेकिन युवक खुद गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि पिपराउन गांव के सभी डीलर आए दिन उपभोक्ताओं के साथ मारपीट दुर्व्यवहार करते हैं। कोरोना राहत पैकेज वाला मुफ्त राशन में से भी डीलर 1 किलो प्रति यूनिट कमीशन काट लेता है। विभागीय शिकायत के बावजूद पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। इस बाबत बीडीओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मामला हुआ है यहाँ डीलर, सर हम राशन लाने गए थे और जब राशन गए लाने तो जबरन हमको मांगने लगा, बोलता नहीं दूंगा, नया राशन कार्ड है तुमको नहीं दूंगा, जबकि एक बार भेज चुका है और सब वो लोग सर दारू वारू पिया था और फैंसी डील उसका भतीजा है और लक्ष्मण साहब का बेटा है विक्की है वो है और उसका दो चार भतीजा है वो भी हमको बहुत मार मारा है। अकेला देखिए सर यहाँ मारा है, ये फोड़ दिया है और यहाँ पे मारा है। कौन था वो जो मारा, डीलर था या दूसरा कोई आदमी? नहीं डीलर था, उसका दो भतीजा वहाँ पे रहता है जो फैंसी डील मार के रहता है वो भी रहता सर। और सर उसमें डीलर भी था और वो डीलर है जो पांच डीलरशिप वो रखा हुआ अकेले बांटता है डीलरशिप और इधर में गैंग रखा हुआ है जितना ये साव परिवार है। लक्ष्मण साहब का लक्ष्मण साहब भी आया था, लक्ष्मण साहब का बेटा भी आया था, वो भी हमको बहुत मारा है, सब मिलके मारा है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनीचर कुमार मंडल है। घर पिपराउन। अच्छा डीलर का क्या नाम है? शत्रुघ्न साहब। मुसमार छी तो हमें मांगे छी हमरा बाल बच्चा केकरो नहीं दे आ एक बेर रहले त 8 किलो देलक एगो बेटा पुतो के खाए। की नाम भेल अहाँके? उमेश मन हमरा बिंदा दे। की नाम भेल अहाँके? की समस्या अहाँके? हमरा तीनू बेटा के नहीं दे खाली हमरा राशन नहीं दे रहा है। कौन डीलर है आपका? इसका बच्चा जवान है, बड़ा बड़ा है, शादी भी हो गया है, शादी विवाह हुआ है, उन लोग का मिलना अधिकार है। आपके डीलर का क्या नाम है? डीलर के पति नाम पहले जाते चले तब वही जाते पास में कोई भी 10 पब्लिक जाके देख ले, इसके घर में एक शाम का खाना नहीं है और इसको बोल रहा था कि 4 दिन के बाद, ये बोला हमारे घर में खाने का एक दाना नहीं है, हमें दीजिए राशन, तो इसी पे गाली गलौज करने लगा और गाली गलौज करने के बाद में इसको इतना बुरी तरह से मारा है। देखिए इस गरीब आदमी को कितना मारा है। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं, इसका निदान होना चाहिए, इस गरीब आदमी को मदद मिलना चाहिए, इसे न्याय मिलना चाहिए। राशन कार्ड देख लीजिए, इसके पास अगर राशन कार्ड नहीं होता तो अलग बात था। ये देखिए सबूत के साथ इसके पास राशन कार्ड है, 5 का 4 किलो देता है ये सब। सरकार ने लागू किया है 5 केजी, ये बोलता हम 4 ही केजी देंगे, हमारा लेबर लगता है उसका 1 केजी। अच्छा, काटेंगे 4 किलो तो पुराना वाला में से मिल रहा है, 5 किलो की जगह 4 किलो मिल रहा है, 1 किलो कट रहा है सब जगह। नया वाला जो कोरोना महामारी वाला जो आया राहत पैकेज उसमें भी 4 किलो दे रहा है। उसमें कम नहीं देना चाहिए, जो कोरोना राहत वाला है उसको 5 किलो। गाली दे रही थी लोग जब गए हैं उसके पास, इसलिए मारे हैं इनको, इस वजह से क्यों मारे हैं, तो उसका डीलर के पत्नी बोलती है कि तुम लोग भीख मांगने आते हो, ये भीख मांगने के बाद सरकारी राशन है, ये गरीबों के लिए ही है, गरीबों के लिए ही है, भीख मांगने वाली बात नहीं, सरकार दे रही है, कोई आदमी थोड़ी दे रहा है। इनके पास राशन कार्ड नहीं रहता, ये जबरदस्ती करता कि हमको राशन कार्ड राशन चाहिए तो फिर कोई अलग बात था, लेकिन इसके पास राशन कार्ड है,
फिर इसको राशन क्यों नहीं देगा? तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं कि नहीं? इसकी शिकायत जो है मारपीट हुई है, इनको घायल कर दिया गया है, इसकी शिकायत कहीं कर रहे हैं कि नहीं आप लोग फिलहाल? अभी तो अभी अभी आधा घंटा पहले हुआ ही है, हम लोग शिकायत करने जा रहे हैं और जरूर शिकायत करेंगे। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी शिकायत कर रहे हैं और इनको न्याय मिलना चाहिए। ये गरीब आदमी है, इनको न्याय मिलना चाहिए।